प्यारे बच्चों, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। डू यू थिंक द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इज यूजफुल? एक्सप्लेन हाउ। क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है? व्याख्या कीजिए कि कैसे। दूसरे टाइप से ये क्वेश्चन हैं, हाउ इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी यूजफुल? एक्सप्लेन। आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में वर्गीकृत करना कहाँ तक लाभदायक है, वर्णन कीजिए। इसका आंसर है, पॉइंट वाइज आप लिखेंगे, आंसर हैं, इट इज वेरी यूजफुल टू क्लासीफाई द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स। आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों को में विभाजित करना बहुत लाभदायक है। फर्स्ट पॉइंट है, वी कैन फाइंड आउट हाउ मैनी वर्कर्स आर वर्किंग इन डिफरेंट सेक्टर। हम ज्ञात कर सकते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में कितने श्रमिक काम कर रहे हैं। सेकंड, वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द शेयर ऑफ ईच सेक्टर इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और द जीडीपी। हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि जीडीपी में हर क्षेत्र का कितना भाग है। थर्ड पॉइंट, वी कैन फाइंड आउट विच सेक्टर इज ग्रोइंग एंड विच सेक्टर इज लैगिंग बिहाइंड। हम यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा क्षेत्र विकास कर रहा है तथा कौन सा क्षेत्र पीछे रह गया है। फोर्थ, वी कैन आल्सो फाइंड आउट द इंडिपेंडेंस ऑफ ईच सेक्टर। हम प्रत्येक क्षेत्र की परस्पर निर्भरता भी ज्ञात कर सकते हैं। यह आपके चार पॉइंट्स हैं, चारों अपनी नोटबुक में लिखेंगे, उसके बाद याद।